वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है 1011 बेस 2 है डेसिमल में। ठीक है, तो जब हमने किसी भी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना होता है डेसिमल सिस्टम में, तो हम क्या करते हैं, हम ये काम करते हैं। ठीक है, इसको करना था तो इसको यहाँ पर लिखा और फिर ये सारा प्रोसेस। इसी तरह हम इसको करेंगे कि हमारे पास क्या है 1011 बाइनरी सिस्टम है, तो इसकी बेस हमारे पास क्या है 2 है। तो यहाँ पर इसकी बेस लिख लेते हैं। अब जो है इस नंबर का फर्स्ट डिजिट वो क्या है, 1 है। हमने यहाँ पर 1 लिखना है, मल्टीप्लाई किससे करवाना है, जो बेस होगी उससे। बेस क्या है 2, उससे मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ पर प्लस आ जाएगा, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास इस नंबर का है 0। यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई किससे करवाना है, जो बेस है उसी से ही। फिर प्लस का साइन आ जाएगा, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। और यहाँ पर बेस हमारे पास 2 ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इसका जो है नेक्स्ट डिजिट जो है लास्ट डिजिट 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 1, और मल्टीप्लाई बेस से ही करवाना है जो कि है 2। अब हम क्या कर लेते हैं, पावर असाइन कर लेते हैं, जो बेस है उनके ऊपर आपने पावर असाइन करनी है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्यूब है, तो 2 की पावर क्यूब का क्या मतलब है, 2 × 2 × 2 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 प्लस 0 को 0 मल्टीप्लाई 2 का ही जो है हमारे पास यहाँ पर पावर 2 है, तो 2 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, प्लस 1 का 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 है। तो किसी भी नंबर के ऊपर पावर जब हमारे पास 1 होती है, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो नंबर ही आ जाता है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 का 2 प्लस 1 का 1 मल्टीप्लाई, जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर जो है हमारे पास 0 होती है, तो उसका मतलब वो पूरा नंबर 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर 1 आ जाना है, समझ आया। जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर जो है 1 हमारे पास होती है, किसी भी नंबर की पावर 1 होती है, तो वह नंबर ही आ जाता है। और जब भी हमारे पास पावर 0 होती है, तो वो पूरा नंबर 1 के इक्वल हो जाता है। तो 1 8 ज़ार हमारे पास 8 आ गया, प्लस 0 4 ज़ार 0 आ गया, प्लस 1 2 ज़ार 2 आ गया, प्लस 1 1 ज़ार 1 आ गया। अब हम इनको क्या कर लेंगे, प्लस करवा लेंगे। तो 8 में 0 प्लस करें तो 8 ही आता है, 8 में 2 प्लस करें 10, 10 में 1 को प्लस करें तो 11, तो क्या आ गया, 11 आ गया। 1011 बेस 2 थी, इसको हम लोगों ने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, तो हम ये प्रोसीजर करते हैं, प्रोसेस करते हैं। बाइनरी से करना हो तो बेस 2 होती है, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना, और सेम पावर साइन तो वही है। अगर हमने जो है ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पर बेस 8 होती है, तो फिर हम यहाँ पर 2 की जगह 8 8 लिखते जाते हैं। बेस 5 हो तो उसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ जहाँ जहाँ हमारे पास 2 है, तो वहाँ हम 5 लिखते जाएंगे, क्योंकि बेस 5 होती है। ठीक है, समझ आया। तो किसी भी नंबर सिस्टम से हमने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हमने ये प्रोसीजर करना है। और जब हमारे पास यहाँ पर देखें, और डेसिमल सिस्टम से किसी भी सिस्टम में जाना हो, तो फिर हम ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये डिवीजन का यहाँ पर देखिए, जैसे हमने क्या करना है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया है, तो डिवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये, हमने जो है किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भी डिवाइड है। ठीक है, डेसिमल से अदर सिस्टम में जाना है, तो ये डिवीजन वाला प्रोसेस है। ठीक है, और जब हम लोगों ने अदर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फिर ये प्रोसीजर है। तो बस आपने इतना ही सी बात को याद रखना है, तो आप सारे क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं कन्वर्जन वाले। ठीक है, तो अब आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, तो आपको कहा जाए कन्वर्ट करने को, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।